नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फार्मर में। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं यहां पे एक मशीन काम 25, यानी कि मशीन एक है, काम ढेर सारे करती है। आपको अगर पशु चारा डालना है, छोटा छोटा करके डालना है, या तो आपको धान कटाई करना है या गेहूं की कटाई करना है, खड़ी फसल कोई भी काटनी हो, मकाई सोयाबीन, तो बहुत ही आसानी से और बहुत तेजी से काम करता है, ईजी है। आज मैं आपको पूरा वो दिखाने वाला हूँ यहाँ पे दोस्तों। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये पुनिया कंपनी का ब्रश कटर है। इसका इंजन जो है 4-स्ट्रोक इंजन है, 33.8 सीसी का इंजन है, पेट्रोल ऑपरेटेड इंजन है इसका। और यहाँ पे दोस्तों इसमें इसको मतलब ऑपरेटिंग जब करते हैं तो इसको पट्टा डालना पड़ता है ऊपर से, और पट्टा आसानी से कंधे के ऊपर से डाल दीजिए तो एक साइड में इसको साइड में काम करता है ये दोस्तों। तो काम करने के लिए बहुत आसान है। तो यहाँ पे इसका एक्सीलेटर जो है हैंडल पे दिया गया है। इसके साइड में आगे जो है दो हैंडल है, आप कहीं पे आपके हाइट अनुसार उसको एडजस्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं, काम करने में आसान हो जाता है। उसी हैंडल पे जो है एक्सीलेटर दिया गया है और ऑन ऑफ का बटन भी दिया गया है। उसके बाद दोस्तों इसका स्टार्ट करना है इंजन बहुत ही आसान है। एक रस्सी है, बस आपको वही खींचना है, खींच देने पे तुरंत इंजन स्टार्ट हो जाता है। 4-स्ट्रोक इंजन होने की वजह से क्या है कि ये धुआं भी कम देता है, तेल की बचत करता है, आवाज़ भी कम देता है और गर्म भी कम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी बॉडी जो है, इसका हैंडलिंग जो है बहुत ही आसान है। एक लंबे में रॉड दिया गया है, उसमें शाफ्ट रहता है, उसके बाद बॉडी कनेक्ट हो जाती है उसमें। और इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत आसान है। इसके मशीन के साथ एक मैनुअल दिया गया है, इस मैनुअल के जरिए आप इसका इंस्टॉलेशन आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें सबसे ज़रूरी कि अटैचमेंट क्या क्या है इस मशीन के साथ दी गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक डायमंड कटर दिया गया है, ये देख सकते हैं, इसको डायमंड कटर कहते हैं, गोल राउंड शेप का रहता है ये। और इस मशीन के जब आप सामने इसको लगा देते हैं, इसका भी इंस्टॉलेशन बड़ा आसान है। एक नट रहता है नीचे, इसको फिट करना है, उसके बाद एक जाली रहती है, इसको भी फिट करना है, ये सेफ्टी के लिए जाली रहती है। और उसके ऊपर जो है ये पत्रे का ये रहता है, ये इसलिए रहता है कि जब आप चाफ मारते हैं, कोई भी आप जब फसल काटते हैं, जब गिराते हैं, तो आसानी से वहाँ पे गिर जाएगी और एक साइड में जमा हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी। तो डायमंड कटर इस तरीके से यूज़ होता है। तो डायमंड कटर आप देखिए, जैसे कि खड़ी फसल आपकी गेहूं हो, जवार हो, मकई हो, या तो आपके धान हो, कोई भी खड़ी फसल हो, उसको आप आसानी से गिरा के एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए वही फसल अगर आप लेडीज से कटवाते हैं, तो कम से कम आपको 10 लेडीज तो एक दिन में आसानी से चली जाएगी आपको। तो ये अगर डायमंड कटर आप यूज़ करते हैं तो 4 से 5 घंटे में एक आदमी एक एकड़ आसानी से निकाल सकता है, लेकिन थोड़ा उसको हाथ बैठना पड़ता है। जब वो मशीन चलाने के लिए हाथ कायदे से बैठ जाता है तो आसानी से निकाल देगा, 5-6 घंटे में एक एकड़ आसानी से गेहूं कटवाई कर लेगा या तो जवार की कटवाई कर लेगा। मान लीजिए एक दिन पूरा चला जाए 6-7 घंटे, फिर भी ठीक है, जहाँ पे 10 लेडीज लगती थी वहाँ पे एक डायमंड कटर आपका कर देगा। कई सारे जगह पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें दूसरा अटैचमेंट है यहाँ पे नायलॉन कटर, ये देख सकते हैं। अब इसको नायलॉन कटर क्यों कहते हैं, तो इसमें नायलॉन है, ये 3 mm की नायलॉन की इसमें ये देखिए रस्सी टाइप है, ये नायलॉन है ये, और 6 इंच ये बाहर निकला रहता है और इसके अंदर भी और रहता है। जैसे जैसे टूटता है, ये खत्म होता है, इसको बटन को दबा दीजिए और खींच लीजिए बाहर, इसमें से नायलॉन और निकलेगा। सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है, जब आप इसको अटैचमेंट को फिट करते हैं और जब चलाते हैं, ये गार्डन हो या आपका फार्म हो या लॉन हो, वहाँ पे इसको चलाएंगे तो वहाँ पे जो भी इस नायलॉन कटिंग से जो कटिंग होगा आगे, उसका पूरा भूसा हो जाता है। और भूसा हो के आपको फायदा ये है कि वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो डिकम्पोज होने के होता है तो इसका आप यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं सोच लीजिए, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ होता है लॉन में, गार्डन में और खेती में, जहाँ जहाँ खरपतवार हैं, अनवांटेड खरपतवार जहाँ जहाँ आई है। जैसे हमारे गन्ने के बीच में खरपतवार होती है, तो मैंने इसको चला के देखा तो बहुत ही कायदे से पूरा वहाँ पे उठा देता है। और जब इसको चलाते हैं तो इस मशीन में एक नीचे पैड लगा हुआ है, उस पैड के जरिए क्या होता है कि ऊपर ज़्यादा नहीं उड़ता, वहीं के वहीं कचरा रह जाता है। तो सेफ्टी के तौर पर भी पैड है, जैसे पत्थर उत्थर ऊपर उड़ते हैं तो वो उसमें लड़ जाते हैं और नीचे ही रह जाते हैं, वो शरीर के ऊपर नहीं लगते। तो इस तरीके से नायलॉन कटर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरा अटैचमेंट जो है ये है टिलर, बहुत ही छोटा टिलर है दोस्तों ये, लेकिन आप सोच रहे हैं कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। देखिए जहाँ पे भुरभुरी मिट्टी है, काली मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, वहाँ पे कायदे से काम करेगा, लेकिन पथरीले इलाके में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि पत्थर इसके नीचे लगेगा तो ये उठने लगेगा, तो वहाँ पे काम नहीं कर सकते। जहाँ पे मुलायम मिट्टी है थोड़ी बहुत, वहाँ बहुत अच्छे से काम करता है ये टिलर। और टिलर का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका गन्ना है, गन्ने के अंदर आप खाद डाल दिए और उसके मिट्टी डालना चाहते हैं, तो हल्का सा इसको तिरछा डाला दीजिए और इसकी जो पत्तियाँ हैं इसको उल्टा लगा दीजिए, ये मिट्टी बाहर डालेगा, तो बहुत ही अच्छा। और इससे निराई कर सकते हैं, गुड़ाई कर सकते हैं अच्छे से। उससे आपका क्या होता है कि
जमीन की जो सॉइल इकोलॉजी वो भी नहीं खराब होती। मान लीजिए आपके खेत में केचुए ज्यादा हो गए हैं, अगर आपको मारने नहीं है तो ये ऊपर ही ऊपर चलेगा, उसको मर भी नहीं पाएंगे। और इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है दोस्तों, सब एक चीज़ का इसमें इंस्टॉलेशन आसान है। जैसे कि इसमें एक टूल किट दिया गया है, टूल किट में केवल एक दो एलन की है, एलन की से पूरा इसमें फिट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा आखिरी चीज़ जो है इसमें हमें अभी इंस्टॉल की है, तो इसको ब्लेड। अब ये ब्लेड जो है कहाँ कहाँ इस ब्रश कटर में यूज़ कर सकते हैं, तो ब्लेड का बहुत उपयोग मुझे तो समझ में आया। जैसे गन्ने का हमारा इलाका है, तो गन्ने में क्या है कि हम गन्ना काट देने के बाद ऊपर जो गन्ना बच जाता है वहीं से फूटने लगता है, तो ज़मीन से नहीं निकलता है। तो हम क्या करेंगे, गन्ने को सट के काटने के लिए बहुत ही एक काम में आता है, तो हमारा गन्ना की ग्रोथ नीचे से आता है, नीचे से नया स्प्राउटिंग हो जाता है। दोस्तों ये तो हुआ हमारे ब्लेड का, ये चारों अटैचमेंट इस मशीन के साथ मिलती है। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं जुगाड़ तौर पे इसको यूज़ करने के लिए, तो सबसे पहले तो इस डायमंड कटर से पेड़ काट सकते हैं, वो तो है ही छोटा मोटा आपको। उसके बाद दोस्तों टिलर के जगह पे आप एक छोटा सा वीडर आता है, मतलब एक छोटा सा गुड़ाई निराई के लिए पूरा प्लेन में, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। उसके साथ साथ पैडी में भी यूज़ कर सकते हैं, पैडी के लिए अगर बीच में रो हो उसके साइड से दोनों घुमाने वाला एक छोटा सा टिलर आता है, वो घुमा लीजिए। उसके क्या होगा कि पैड़ी में जो खरपतवार आ रही है वो भी निकल जाएगी। और दोस्तों आपका अगर गाय का फार्म है, छोटा सा काऊ फार्म है, तो वहाँ पे आपका रबड़ का जो टिलर आता है छोटा सा, वहाँ पे ज़मीन पे आप पानी मार दिए और वो रबड़ का टिलर घुमा दिए, तो पूरा आपका जो काऊ फार्म है अंदर, जो भी आपने कॉन्क्रीट में बनाया गया है सीमेंट में, वो पूरा साफ हो जाएगा। इस तरीके से आप जुगाड़ तौर पर इस मशीन को कम से कम 20-25 अटैचमेंट अलग अलग लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इस मशीन में अगर इसके माइलेज की अगर बात देखा जाए, सबसे ज़रूरी चीज़ है, एक घंटे में एक लीटर माइलेज मतलब तेल खाता है। इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होती है और इसमें मेंटेनेंस भी बहुत कम है। और इस पूर्णिया कंपनी में इसको एक साल की पूरी वारंटी दी गई है। और दोस्तों इस मशीन की कीमत 17,000 है और आप इसको COD भी मंगा सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी 2,000 रुपये भर के। तो इस तरीके से दोस्तों पूरी ये मशीन जो है बहुत ही एक कॉम्बो पैक है। जैसे मैंने कहा कि एक मशीन काम 25, उसी तरीके से मशीन पूरी है। तो दोस्तों आपको आज का ये पूर्णिया कंपनी की मशीन कैसे लगी कमेंट में मुझे जरूर बताइए। ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाजिर होंगे एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर है। धन्यवाद।